स्टूडेंट, जैसे कि अब रिजल्ट आ चुका है और कुछ बच्चों ने बेसिक लिया था, लेकिन वो चाहते हैं मैथ्स को ऑप्ट करना, और पहले रूल यही था कि जो बच्चा बेसिक लेता है वो मैथ्स नहीं ले सकता। लेकिन इस बार सीबीएसई ने एक ऑफिशियल सर्कुलर, जो सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट है, अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो ये ऑफिशियल सर्कुलर खुल जाएगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि बच्चा जो 11th क्लास में आया है, अगर उसने 10th में बेसिक लिया है तो वो ले सकता है, क्योंकि ये आपको पता है ये 2 साल अलग ही सर्कमस्टांसेस रही हैं। तो इन परिस्थिति को देखते हुए सीबीएसई ने ऐसा डिसाइड किया, और ये भी बोला है इसका डिटेल सर्कुलर जल्दी भेज दिया जाएगा। तो आप अपने स्कूल वालों को ये वाला सर्कुलर दिखा सकते हो, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अपने स्कूल में दिखा दो, बाकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, वहां से आप देख सकते हो। जी, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वेबसाइट की और इस वाली पीडीएफ की, ठीक है? तो आप देख लेना और स्कूल में दिखा देना। बाकी चाहे वो सब्सक्राइब करें, लेकिन हम लोग लेटेस्ट और फास्ट अपडेट देते हैं, साथ के साथ टाइम आपका सेव करते हैं।